भरत वंश रक्षक शांतनु पुत्र अपराजय वीर गंगा पुत्र भीष्म पधार रहे हैं। लगता है भीष्म प्रतिज्ञा राजकुमारियों की सुंदरता के सागर में डूब गई। बुढ़ापे में अपने आप को ये युवा सिद्ध करने का प्रयास क्यों? इन राजकुमारियों का सौंदर्य तो ऋषियों की तपस्या भंग कर दे। राजकुमार और लगता है पिता की मृत्यु की ही प्रतीक्षा में थे। रानी सत्यवती ने अपनी चूड़ियां तोड़ी और इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा भी कांच की रही होगी। सावधान, ये सभा केवल अतिथियों के लिए है। जानता हूं, इसीलिए मैं आपके इस सभा गृह में आपके अतिथियों के जमाने काट कर आपका अपमान नहीं करना चाहता। इस स्वयंवर में मैं हस्तिनापुर नरेश महाराज विचित्र वीरी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। काशी राजकुमारियां शताब्दियों से कुरु वंशियों में विवाह के लिए जाती रही हैं, आज भी यही होगा। मैं इन तीनों राजकुमारियों को अपने छोटे भाई विचित्र वीरी की रानियां बनाने के लिए ले जा रहा हूं। राजकुमारियों का स्वयंवर रचाकर आपने जो हस्तिनापुर का अपमान किया है, मैं उसके लिए आपको क्षमा करता हूं। परंतु राजकुमारियों को अपना वर चुनने का अधिकार है भीष्म। इन राजकुमारियों को यह अधिकार नहीं है शालराज, और यदि है तो मेरे सिवा और कोई स्वयंवर सभा में बैठने योग्य नहीं। भीष्म, अपनी जुबान को लगाम दो। मैं केवल घोड़ों को लगाम देता हूं। और शालराज, तुम यदि मुझसे जीवन दान पाकर न जी रहे होते तो भरी सभा में इस प्रकार मेरी बात काटने का कड़ा दंड देता तुम्हें। मैं इस भरे दरबार में घोषणा करता हूं कि मैं राजकुमारियों को लेने आया हूं और ले जा रहा हूं। भीष्म को रोकना चाहता है भीष्म को। राजकुमारियों को जाने की आज्ञा दीजिए काशी नरेश। मुझे इसी बात का डर था महाराज। घुमाओ। शाल्वराज? हां, मैं शाल्व। परंतु ये मार्ग तो शाल्व नहीं जाता। तुम
योद्धा नहीं हो भीष्म, तुम एक मायावी अभिचारक हो। तुमने काशी राज्यसभा में अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं किया बल्कि अपनी माया का जाल फेंका था। अब मेरे बाणों का जाल देखो, सावधान। तुम एक महान योद्धा हो शाल्वराज, और मेरी तुमसे कोई लड़ाई भी नहीं। आज वो जीवन मैं कैसे ले लूं जो मैंने ही तुम्हें दान में दिया था, इसलिए लौट जाओ। मैं यहां वापस जाने के लिए नहीं आया हूं भीष्म, बल्कि तुम्हें जीवन दान देने के लिए आया हूं। क्षमा चाहो तो लौट जाओ हस्तिनापुर, या धनुष संभालो। सावधान। इस घाव के लिए भी मैं तुम्हें क्षमा करता हूं शाल्वराज, अब भी समय है, लौट जाओ। मैं यहां लौट जाने के लिए नहीं आया हूं भीष्म। मेरे पास बाणों की कमी नहीं है शाल्वराज, पर दिया हुआ जीवन में वापस लेना नहीं चाहता, इसलिए एक बार फिर क्षमा करता हूं। सारथी हस्तिनापुर चलो। राजमाता। अच्छा, और दीपक की लो जैसी तीन राजकुमारियां भी साथ लाए हैं। इतनी सुंदर पुत्र वधुएं पाने पर हार्दिक बधाई माते। एक माँ का प्यार भरा स्वागत। ये अंबा हैं, ये अंबिका और ये अंबालिका, और ये इनकी दासी। क्या मैं एक विनती कर सकती हूँ राजमाता? केवल माँ कहो अंबा, परंतु मेरी विनती तो राजमाता से है। आज्ञा है। परमवीर गंगापुत्र भीष्म के आने से पहले ही मैं मन ही मन शाल्व नरेश को अपना पति मान चुकी थी राजमाता। तो तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं राजकुमारी? भय गंगापुत्र, आपका भय। तब तो विचित्र वीरी का विवाह अंबा से नहीं हो सकता माते। तुमने ठीक कहा भीष्म। तुम निश्चिंत रहो राजकुमारी, तुम्हें आदर के साथ शाल भिजवाने का प्रबंध किया जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है अंबा। राजमाता, चली सुरक्षित सैन्य से हर्षित कन्या रत्न, प्रिय दर्शन की आस में देखे सुंदर स्वप्न। ये जीवन भी गंगा पुत्र का ही दिया हुआ है, और अब अंबा को भी दे दिया। अंबे, हम अपने पहले पुत्र का नाम देवव्रत ही रखेंगे। अवश्य आर्य पुत्र। पता है, जब मैंने राजमाता सत्यवती से कहा कि गंगापुत्र भीष्म के आने से पहले ही मैं शाल्व नरेश को अपना पति स्वीकार कर चुकी थी, तो गंगापुत्र कांप उठे, और मैं उसी वक्त समझ गई कि अब हमारे मिलन को कोई नहीं रोक सकता। राजकुमारी जी, अब आप शाल्व की सीमा में प्रवेश कर रही हैं।
भीष्म से कह देना हम हारी हुई वस्तु दान में स्वीकार नहीं करते, और उनसे यह भी कह देना कि राजकुमारी को यहां भेजकर उन्होंने हमारा अपमान किया है। जब गंगापुत्र भीष्म को पता चला कि मैं आपसे प्यार करती हूं, तो उन्होंने स्वयं मुझे आपके पास भेज दिया। भीष्म ने हम सबको हराकर तुम्हें जीता है, नियमानुसार तुम उसी के हो, यही क्षत्रिय धर्म है। शाल्व नरेश ये न भूले कि वो मेरे स्वयंवर में पधारे थे, परंपरानुसार वरमाला मेरे हाथ में थी, और मेरा पति वही होगा जिसे मैं चुनूंगी। मैं कोई राज्य नहीं हूं जो लड़ाई में जीती या हारी जा सकूं, या फिर दान में दी जा सकूं। गंगापुत्र भीष्म के आने से पहले ही मैं शाल्व नरेश को अपना पति स्वीकार कर चुकी थी। हम इस मान के लिए आपके आभारी हैं राजकुमारी, परंतु आपको भीष्म के पास वापस जाना ही होगा। उन्होंने आपको यहां भेजकर केवल मेरा ही नहीं आपका भी अपमान किया है। राजकुमारी को अंदर आने दिया जाए। हस्तिनापुर नरेश की जय हो। मैं न्याय मांगने आई हूं महाराज। तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा राजकुमारी। महाराज, गंगापुत्र भीष्म ने सारे राजाओं, महाराजाओं और राजकुमारों को हराकर मुझे जीत लिया था, परंतु मैं शार्व नरेश को पहले ही अपना पति स्वीकार कर चुकी थी, इसीलिए आपकी आज्ञा के अनुसार मुझे शार्व नरेश के पास भेज दिया गया। परंतु शाल्व नरेश ने दान में मिली हुई अंबा को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। हस्तिनापुर की सेनाएं राजकुमारी के अपमान का बदला लेने के लिए शीघ्र ही शाल्व की ओर प्रस्थान करेंगी। पर शाल्व नरेश ने क्या किया है महाराज जो हस्तिनापुर की सेनाएं उधर प्रस्थान करेंगी? मैं अपमानित हुई हूँ गंगापुत्र भीष्म के कारण। यह आप क्या कह रही है राजकुमारी? राधा भीष्म तो किसी का अपमान कर ही नहीं सकते। मैं किसी और के विषय में बात नहीं कर रही हूँ महाराज, मैं अपने विषय में बात कर रही हूँ। अपमान मेरा हुआ है, इसलिए मैं ही बता सकती हूँ कि मेरा अपमान किसने किया है। मेरा अपमान किया है गंगापुत्र भीष्म ने, नहीं ये मुझे शाल्व नरेश के पास भेजते और ना ही मेरा इतना बड़ा अपमान होता। इसलिए गंगापुत्र भीष्म को आदेश हो कि ये अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। महाराज की जय हो, परंतु मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं महाराज, मैं विवाह कर ही नहीं सकता। विवाह नहीं कर सकते तो काशी से यहाँ लाए क्यों? मैंने तो काशी दरबार में ये घोषणा कर दी थी कि मैं केवल हस्तिनापुर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मेरा हरण ऐसे समय में किया गया था महाराज जब मेरे हाथ में वरमाला थी। मेरी बहनों ने आपको स्वीकार किया, परंतु मैं आपको स्वीकार नहीं करती। अब मैं वो माला गंगापुत्र भीष्म के गले में डालना चाहती हूँ। यह संभव नहीं है देवी। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि मैंने ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की है। घायल नागिन, घायल शेरनी और अपमानित स्त्री से डरना सीखो गंगापुत्र। तुम वचनबद्ध हो, इसलिए मेरे अपमान के घाव पर मान का फाया नहीं लगा सकते। तो आज इसी कुरुराज दरबार में हस्तिनापुर नरेश को साक्षी मानते हुए मैं भी प्रतिज्ञाबद्ध होती हूँ। गंगापुत्र भीष्म, मैं तुम्हें अपने अपमान के लिए कभी क्षमा नहीं करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे जन पर जन क्यों ना लेने पड़े। तुम्हारी मृत्यु का कारण बनकर मैं अपने इस अपमान का बदला अवश्य लूंगी। क्रुद्ध सर्पिणी बन गई सुंदर उपवन बेल, दोष किसी का क्या भला, भाग्य खिलाए
काशीराज कन्या अंबा बदले की खोज में चली गई और वो बदला अवश्य लेगी, परंतु कब और कहां ये अभी केवल मैं जानता हूं। और जब ये महान मानव कथा वहां पहुंचेगी तो मैं उस बदले की कहानी सुना भी दूंगा, परंतु अभी तो हस्तिनापुर चैन की बंसी बजा रहा है। महाराजा विचित्र वीर अंबालिका और अंबिका के साथ धूमधाम से विवाह कर चुके हैं और अब चूंकि राज की देखभाल के लिए भीष्म जैसा विद्वान और सूरमा मौजूद था, इसलिए विचित्र वीर का सारा समय अपनी दोनों रानियों के साथ बीतने लगा। नाथ क्या हुआ? नाथ क्या हुआ? क्या हुआ नाथ? माधेश्वरी गंगा जल पिला दीजिए महाराज को। चंद्र वंश के चंद्र का असमय यह अवसान,
सिंहासन सुना हुआ राजभवन सुनसा माते अपने आप को संभालिए माते प्रयत्न तो बहुत कर रही हूं पुत्र परंतु आज सत्यवती अपने जीवन के कठोर सत्य के सामने अकेली और विवश खड़ी है सत्य कभी विवश नहीं करता माते करता है पुत्र बहुत विवश करता है तुम उच्च आकांक्षी नहीं हो ना इसलिए मेरी विवशता को नहीं देख सकते मैंने चाहा था मेरे पुत्र हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे लेकिन मैंने तुम्हारे स्थान से तुम्हें हटा दिया परिणाम हस्तिनापुर का राज सिंहासन आज मेरी ओर देख रहा है और कह रहा है सत्यवती मुझे मेरा राजा दो मैं उस राज सिंहासन को राजा कहां से दूं ना चित्रंगत है ना विचित्र वीर्य और ना ही उनकी कोई संतान मैं सत्यवती अपने सामने झूठी पड़ गई ना घटनाओं और दुर्घटनाओं के पास कोई इच्छा शक्ति नहीं होती माते यदि आप वो नबी चाहती जो आपने चाहा तब भी यही होता काल ने कोई और रास्ता निकाल लिया होता मनुष्य भाग्य लिपि पढ़ना नहीं जानता माते इसीलिए वो कभी सुखों के आगे विवश हो जाता है तो कभी दुखों के आगे परंतु मैं हस्तिनापुर के राज सिंहासन से क्या कहूं हस्तिनापुर के राज सिंहासन से कहिए कि वो अपने प्रश्न लेकर समय के पास जाए क्योंकि तमाम प्रश्नों के उत्तर केवल समय के पास है परंतु तुम भी तो कुरुवंश और कुरु सिंहासन की सेवा और सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हो पुत्र अवश्य माते तो फिर अपने वचन का पालन करो पुत्र क्या कोई शत्रु हस्तिनापुर पर आक्रमण करने वाला है माते हाँ सत्य तो ये है भीष्म कि शत्रु आक्रमण कर चुका है वो कौन है माते तुम्हारी प्रतिज्ञा माते तुमने कुरुवंश की सेवा और सुरक्षा का वचन दिया था ना स्वर्गीय पिता महाराज को तो उस वचन के पालन के लिए कुरुवंश की आवश्यकता होगी कुरुवंशी ना होगा तो सेवा किसकी करोगे रक्षा किसकी करोगे चित्रंगत और विचित्र वीर्य के निधन के बाद गुरुओं के वंश का रास्ता ही बंद हो गया है और अब यह रास्ता केवल तुम ही खोल सकते हो एक ओर तुम्हारी प्रतिज्ञा है दूसरी ओर तुम्हारा वचन निश्चय तुम्हें करना है मैं समझा नहीं माते परंपरानुसार आज तुम्हारा ये कर्तव्य है कि अंबिका और अंबालिका से विवाह करके कुरुओं की वंश रेखा को आगे बढ़ाओ और तुम्हारी मां होने के नाते अब यह मेरा आदेश भी है आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है माते परंतु प्रतिज्ञाबद्ध होने के नाते मैं विवश हूं माता यह संभव नहीं भीष्म करे व्रत त्याग चाहे शीतल सूर्य हो बल से शशि से
गंगा पुत्र भीष्म आए हैं, उन्हें आदर सहित ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम मुनिवर। मैं जानता हूं तुम यहां क्यों आए गंगा पुत्र। तो फिर क्या आज्ञा है मुनिवर? राजमाता सत्यवती तुम्हारी माता नहीं, इसलिए तुमने उनका कहा नहीं माना। कोई वचन मां और मातृभूमि से बड़ा नहीं हो सकता गंगा पुत्र। ये निर्णय तो वचनबद्ध होने वाले को ही लेना चाहिए ना मुनिवर। हां, मैं अपनी सीमा पार कर गया था गंगा पुत्र, परंतु सत्य यही है कि राजमाता सत्यवती तुम्हारी माता नहीं, इसी कारण तुमने उनका कहा नहीं माना, परंतु वे मेरी माता हैं। आपकी माता मुनिवर? हाँ। भयभीत न हो मत्स्यगंधा सत्यवती, मैं पराशर हूं। ऋषिवर, क्षमा चाहते हूं ऋषिवर, मैंने आपको पहचाना नहीं। मनुष्य स्वयं अपने आप को कभी नहीं पहचान पाता सत्यवती, तो वह दूसरों को क्या पहचानेगा। परंतु तुम्हें अपने विषय में यह जान लेना आवश्यक है कि तुमने यात्रियों को नदी पार करवाने के लिए ही जन्म नहीं लिया, इतिहास तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरी प्रतीक्षा ऋषिवर? हाँ, अब समय आ गया है कि तुम मत्स्यगंधा से योजनगंधा बन जाओ, कि तुम्हारी सुगंध 10 कोस आगे चलते समय को यह बता दे कि तुम आ रही हो। परंतु इसके लिए तुम्हारे गर्भ से ज्ञान का एक अंकुर फूटना आवश्यक है। परंतु मैं अक्षत यौवन हूं ऋषिवर, निष्कलंक। क्या मुझे इसका ज्ञान नहीं मत्स्यगंधा? तुम अक्षत योनि ही रहोगी, निष्कलंक। परंतु ऋषिवर, तुम्हारे कोमल कंधों पर भारतवर्ष के इतिहास का भारी बोझ पड़ने वाला है मत्स्यगंधा सत्यवती, उसके योग्य बनना तुम्हारा कर्तव्य भी है और धर्म भी। अपने धर्म का पालन करो अथवा निर्णय लेने में शीघ्रता से काम लो। मैं निर्णय कैसे ले सकती हूँ ऋषिवर? परंतु आज से तुम्हारे जीवन के हर परंतु का उत्तर देना मेरा दायित्व है। महर्षि पराशर की कृपा से माता सत्यवती ने मुझे जन्म दिया और इसी कारण उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य बन जाता है। चलो गंगा पुत्र,